लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। शहीद दिवस के अवसर पर सभा के मंच से दहाड़ते हुए ममता बनर्जी ने सबसे पहले भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार अब आधार कार्ड हर एक कार्य के लिए अनिवार्य होगा। बंगाल में आज भी लाखों लोग आधार कार्ड से वंचित हैं। पहले केंद्र सरकार उनका आधार कार्ड बनवाए। मारुति और ट्रक के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत में दो की मौत और बच्चों समेत 7 लोग घायल। मरने वालों में मारुति वैन का चालक और एक महिला सवारी शामिल है। यह घटना है पांडुआ थाना क्षेत्र के खरनान चौमाथे की। बताया जा रहा है कि सभी मारुति सवार एक मजार में चादर चढ़ाने जा रहे थे, तब यह हादसा हुआ और सभी घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बंडेल स्थित ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को स्कूल पहुंचाने जा रही एक पूल कार में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई, लेकिन पूल कार चालक ने तत्काल गाड़ी को रोककर उसमें सवार सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह हादसा बंडेल स्टेशन के नजदीक मानसपुर इलाके में हुआ। किसी भी बच्चे के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। कार में कुल 15 बच्चे सवार थे। कार चालक ने तत्परता दिखाते हुए सभी बच्चों को कार से बाहर निकाला। बंडेल स्टेशन रोड इलाके में स्थित एक निजी स्कूल ब्लूमिंग बर्ड्स में पढ़ने वाले ऋषभ पासवान, एक मासूम की पिटाई उसी स्कूल में पढ़ने वाले प्रत्युष दास के पिता ने कर डाली। क्लासरूम में किसी बात पर दोनों बच्चों के बीच कुछ कहासुनी हुई, जिसकी शिकायत प्रत्युष ने अपने पिता से की और पिता ने आव देखा न ताव एक मासूम बच्चे को स्कूल से छुट्टी के बाद वापस घर लौटते वक्त पीटा। आरोपी ने अपनी गलती मानने की बजाय प्रेस रिपोर्टर होने की धांच जमाते हुए पीड़ित बच्चे के अभिभावक के साथ अभद्र आचरण किया। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।